काजीरंगा तो मेरे बहुत फेवरेट जगह है। यहाँ पे मैं 8 साल पहले भी आई थी, CWRC सेंटर विजिट किया था, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का बेहतरीन काम देखा था तब। और तब से मैं एक्चुअली 2 साल उससे पहले, 10 साल हो गए हैं मैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ उनकी एम्बेसडर रही हूँ। और मुझे बहुत शक्ति मिलती है जब मैं उनका काम देखती हूँ, और देखती हूँ कि कितना अच्छा, मतलब 7,000 से ज़्यादा रेस्क्यूज और रिलीजेस हुए हैं वाइल्ड में। तो हिम्मत मिलती है, अच्छा लगता है। पर्यावरण की सुरक्षा, कॉन्जर्वेशन वर्क ऐसे ही हो सकता है जब गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एकजुट होकर अच्छा काम करें। आज भूटान का किंग भी आ रहा है काजीरंगा में। हाँ, तो उनको तो बड़ा मज़ा आएगा, हमारा डाइवर्सिटी देखेंगे, फॉरेस्ट देखेंगे, यहाँ पे भी आएंगे, आगे कमिंग टू द CWRC। अरे, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ पे आए, यहाँ का बेहतरीन काम देखे, विवेक मेनन जी और रतन सर और जो भी जितने भी लोग, शमशुल अली जो हमारे वेटनरियन हैं, उन सबका काम देखे, समझे कि कितना अच्छा काम हो रहा है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कैसा है काजीरंगा में असम गवर्नमेंट का? अभी तो मतलब अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज सेंसस, वन हॉर्न राइनो का पोचिंग बिल्कुल नहीं हुआ बिल्कुल है, जीरो जीरो हो गया जीरो हो गया है। ये तो बहुत बहुत बड़ी राइनो बात का। है, बहुत अच्छी बात है। वैसे ही जितने भी दूसरे स्पीसीज है उनका भी जीरो पोचिंग हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा। मैम आपका कोई नया प्रोजेक्ट अभी आया था, आपने नहीं देखा होगा, धक धक करके एक फिल्म आई थी जो अभी कुछ ही, आई थिंक दिसंबर तक प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर नजर आएगी, नेटफ्लिक्स पर और आई थिंक जियो में आ जाएगी। मैम असम में जो फोर लेनिंग का जो काम है उसमें बहुत सारे पेड़ को काटा गया है ग्वालपाड़ा के एरिया में, तो क्या बोलेंगे आप? देखिए, मानव जाति का अहंकार है जो ये सोचता है कि पर्यावरण को हम नष्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। और आज की तारीख में जितना सफाई से ये सामने आ रही है बात, कि जैसे कि क्लाइमेट चेंज को लेकर जो प्रॉब्लम, समस्याएं हो रही हैं, और उसके साथ साथ जो बायोडायवर्सिटी लॉस से प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अभी सबको समझ में आने लगी है। तो हमारा काम ये है कि जो एग्जिस्टिंग बायोडायवर्सिटी है, एग्जिस्टिंग ग्रीनरी है, ट्रीज है, उनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पर कुदरत का काम नहीं कर सकते। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 100 साल लगते हैं टू अचीव व्हाट नेचर अचीव्स। सो हमारा सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि पर्यावरण की सुरक्षा करें। दिल्ली में बहुत एयर पोल्यूशन दिल्ली हुआ में था। ही नहीं, हमारे देश के 23 सिटीज दुनिया के सबसे पोल्यूटेड सिटीज में से माने जाते हैं। ऑफ कोर्स द कैपिटल इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल ऑन द प्लैनेट, पर उसके साथ साथ मैं मुंबई में रहती हूँ, मुझे इस बात का एहसास होता है कि साल में जब बारिश होती है तभी थोड़ा हवा साफ होता है, नहीं तो 300, 350, 400, 600, 700 तक चला जाता है एक ही वायर। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक अर्बन इश्यू बन गया है, एंड लोग सोचते हैं कि हम समुद्र के पास रहते हैं तो कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर भी देखते हैं वेस्ट बर्निंग होता है, एग्रीकल्चरल स्टबल बर्न होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है उससे भी एयर बहुत प्रदूषित होता है। ना आसाम का जो फिल्म इंडस्ट्री है स्पीड स्पीडली ग्रोइंग कर रहे हैं, क्या बोलेंगे आसाम के फिल्म इंडस्ट्री के बारे में? बहुत अच्छा है, हर प्रांत का इंडस्ट्री अच्छा होना चाहिए, कोई आसाम में कोई आगे फिल्म बढ़ना फिल्म चाहिए। करने के लिए कोई इच्छा है आपका आसाम में? अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा अगर मिलेगा तो करेंगे, क्यों, अच्छे आसाम से में अच्छा स्टोरी रहेगा तो क्यों नहीं करेंगे, आसाम खुशी से ब्यूटीफुल करेंगे, सीनरी आसाम में। खुशी से थैंक यू करेंगे। थैंक यू थैंक यू। मैम।